हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सूर्य प्रताप शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी इन बॉटनी सब्जेक्ट। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट एट दिस टॉपिक द कोर सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बट हम लोग जो मेरा टॉपिक है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये मेरा सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे डिस्कस करूँगा। ओके, देन ये जो कोर सिलेबस है ये नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन MBBS के लिए है। ठीक है, फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कर्व एंट्रेंस टेस्ट नीट का फुल फॉर्म है फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्स अक्रॉस द कंट्री। कंट्री कौन सी? इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जब वेबसाइट पे मैं गया तो मुझे ये सिलेबस मिला नीट का। ओके, तो द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द फॉलोइंग सिलेबस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ओके, नीट UG अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के बच्चे जो 12th करने के बाद जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके लिए ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वाले जो हैं वो नीट का सिलेबस जारी करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये CBSE, देखिए यहाँ पे लिखा है CBSE NCERT, ठीक है, तो उसकी भी कुछ सिलेबस से मिलता जुलता ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो और हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं जनरली कि जो नीट का सिलेबस होता है वो मोस्टली जो है वो NCERT बेस्ड ही होता है। ओके, तो NCERT बेस्ड सिलेबस है तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें NCERT की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, और जो नॉलेजेबल स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि बिना NCERT पढ़े हुए कोई भी बच्चा नीट एम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेस्ड ही हैं। ओके, और आप लोग अभी तक यही जानते थे कि बिना NCERT को पढ़े हुए केवल नीट और आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एग्जामिनेशन को ही नहीं क्लियर किया जा सकता है, बल्कि आप जान भी लीजिए अगर जिनको पता हो या फिर नहीं पता हो तो भी कि BSc MSc के बाद होने वाले रिसर्च लेवल की एग्जामिनेशन जो है ICMR जो मेडिकल रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ICMR GRF, ठीक है, तो वो हो गया, फिर नेट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो गया, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। अब इस टाइम की बात कर रहे हैं, नेट PhD करने को मिलता है, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है अप्रॉक्स 35,000 के करीब में मंथली मिलती है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी नीट ये NCERT अच्छे से पढ़नी जरूरी है, जो भी इच्छुक होंगे बच्चे प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी NCERT अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और न कि सिर्फ मेडिकल वाले बच्चों के लिए ही। ओके, और मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो कंपलसरी है कि आप नीट के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप 2-3 बार जो बैठे होंगे वो खुद जान रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि NCERT की लाइन बाय लाइन में से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमारा क्या मोटो बनता है स्टडी के लिए, तो वो ये होता है कि हमें भी तो NCERT की लाइन वाइज जो भी लिखा गया है लाइन वाइज हम लोग को जानते हो। ठीक है, तो मैं इसी के लिए मैं पूरी वीडियोज़ बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों की हेल्प हो जाए और मेरा रिवीजन हो जाए। ओके, तो इसमें आपका भी प्रॉफिट है और मेरा भी प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि NCERT का रिवीजन मेरा भी हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत पहले मैं पढ़ चुका हूँ बहुत अच्छे से, जिसका रिवाइज भी हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और आप लोगों का भी हो जाएगा क्योंकि मेरे BSc एंड MSc में जो भी फॉरेन ऑथर्स और लोकल ऑथर्स की बुक पढ़ी है वो सब नॉलेज जो है मैं उस नॉलेज को ब्रॉड नॉलेज को NCERT के जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनसे रिलेट करके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आप लोग छोटी सी टॉपिक जो भी है उसको आप डिटेल में जानेंगे। ओके, अच्छे से जानेंगे। ओके, तो
ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, ठीक है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। मैं वीडियोस जो है वो 1 वीक में, एक चैप्टर 1 वीक में मैं पोस्ट करूँगा और आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, मैं लाइन वाइज बताऊँगा, ठीक है। जो भी अनइम्पॉर्टेंट जो वर्ड होंगे, जो लाइन होगा, ठीक है, तो उसको मैं हाईलाइट नहीं किया रहूँगा, ठीक है। तो जो भी हाईलाइटेड पोर्शन रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, और जो फिर कलर्ड रहेगा कि कलर्ड में, रेड कलर्ड में लिखा होगा, वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो आप लोग टोटल अच्छे से पूरी बुक मैं पढ़ के और अच्छे से उस पर मैं लेक्चर दूंगा। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सॉरी, मैं भूल गया एक बात और, कि ये आपको सिलेबस डिस्कस कराना था, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस से हमें, फिजिक्स का सिलेबस ये है, बल्कि ठीक है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। और अब आता है आपका टॉपिक बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी ये जो दो टॉपिक्स हैं, 5 5 5 10 टॉपिक्स हैं, बट इसके अंदर जो है सब टॉपिक्स भी हैं। ओके, तो ये देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, बट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है वो एक क्या बोलते हैं, इसकी एक अलग बुक होती है। आगे जब पढ़ेंगे हम 80 लेवल पे फॉरन ऑथर, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक अलग ही बुक आती है। सेल स्ट्रक्चर यानी सेल की, सेल बायोलॉजी की बुक्स अलग ही एक बुक आती है, सेल बायोलॉजी की, ठीक है। प्लांट फिजोलॉजी की एक अलग बुक आती है, ह्यूमन फिजोलॉजी की, श्री चटर्जी की, और भी स्टैंडर्ड राइटर की बुक्स आती हैं, ठीक है। इंडियन में चटर्जी है, इंडियन बुक्स और थोड़ा मेडिकल रिलेटेड बुक्स हैं, ठीक है, अच्छी बुक है। और प्लांट फिजोलॉजी की भी बुक्स हैं, ठीक है। और याद नहीं आ रही प्लांट फिजोलॉजी की बुक्स, वो तो मैं आप लोगों को बता था। और ये सेल बायोलॉजी जो है वो लेविन की एक बुक आती है, ठीक है। लेविन एक फॉरेन ऑथर के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और प्लांट फिजोलॉजी टैमरिन की है क्या, शायद याद नहीं आ रहा था, या छोड़िए बाद में हम आपको बताएंगे। और ये रिप्रोडक्शन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 में है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स की ही अलग से बुक्स हैं, ठीक है। फॉरेन ऑथर्स की भी है, लोकल ऑथर्स की भी है। ओके, अब बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें, तो बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर ह्यूमन के लिए क्या हेल्पफुल है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है अगर हम बात करें तो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक रिवोल्यूशन लेके आया कंट्रीज में, कंट्री टू कंट्रीज। यानी पहले तो इंडिया में नहीं था, इंडिया में पहले क्या था ना दोस्तों, कि बायोटेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ, स्वामीनाथन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने जीन पे रिसर्च किया था। जीन पे कौन से रिसर्च पे, ये चावल पे रिसर्च किया था क्या उन्होंने, तो उसने ऐसा किया कि जैसे कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ था तो संख्या कम थी, लेस देन होगा 50,000 पीपल के, 50 करोड़, 35 करोड़ के अप्रॉक्स लगभग, याद नहीं आ रहा है तो था, ठीक है। तो उसमें ये था कि कम जनसंख्या थी, उसके बावजूद खाने के लिए अनाज नहीं थे, ठीक है। तो जब इन्होंने अपना एक जेनेटिक मॉडिफाइड GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो प्लांट्स क्रॉप्स को मतलब जनरेट किया और उसको मतलब फील्ड में अप्लाई किया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला पता है दोस्तों, कि इतने सारे अनाज जो हैं वो हम लोगों के मतलब होने लगा। इसलिए उसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, स्वामीनाथन करके ऐसा साइंटिस्ट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया ना, एक टेक्निक अपनाई, जिससे कि क्या हुआ कि आज देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भुखमरी है। भुखमरी मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, बट ये है कि गोदामों में अनाज फिर भी भरे हुए हैं। ओके, तो ये सब उनकी भी देन है, ग्रीन रिवोल्यूशन का देन है। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल था हम लोगों के लिए। देखिए BT कॉटन, ठीक है,
बीटी कॉटन बनाया गया, ठीक है, बहुत सारी जीएमओ यानी जेनेटिक मॉडिफाइड का यूज़ करके यूज किया गया। और देखिए इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी तो हम जानते ही हैं, इको सिस्टम रहता है, इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इकोस, लॉगस में से स्टडी इको मतलब इको सिस्टम, ठीक है। तो इको सिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में बोलते हैं, ओके। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने एनवायरमेंट्स का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन का भी डिस्कस करेंगे। तो यही है फर्स्ट ईयर एंड ट्वेल्थ का सिलेबस है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा टॉपिक्स देख लेते हैं। ये रहा बायोलॉजी, बायोलॉजी ठीक है। देखिए बायोलॉजी मतलब होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी, ओके। तो इसका जो वर्ड है इसी पे जाते हैं, बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉगस लॉजी मतलब लॉगस, लॉगस मीन्स स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। बट याद रखिए एनसीईआरटी जो है, बट ये याद रखिए कि एनसीईआरटी जो है वो बायोलॉजी का डेफिनेशन अलग देता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, बट द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, ऐसे करके बताता है वो। मैं आपको फर्स्ट लेसन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, ओके। एंड हेलो दोस्तों, हाँ तो पहला आता है ये बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ओके। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब वही है कि लिविंग वर्ल्ड्स संसार में यानी इस अर्थ पे, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी विविधता जो है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स में डिफरेंट वैराइटीज है प्लांट्स की, ठीक है, एनिमल्स में डिफरेंट वैराइटी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसमें सेल थियोरी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सभी के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एंड प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट में, प्लांट्स के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, गैस का मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट क्या होता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर से जरूर जानना चाहिए। फोटोसिंथेसिस पढ़ा जाएगा, फोटोसिंथेसिस के केमिकल्स रिएक्शंस भी हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के बारे में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसे होता है ये जानेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं ये जानेंगे, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स कैसे एक्ट करता है इसके बारे में जानेंगे, और डिसऑर्डर्स कौन सी बीमारियाँ होती हैं हार्मोन्स के एक्स्ट्रा हाइपर सिक्रेशन यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाने से, और हाइपो सिक्रेशन मतलब बहुत कम सिक्रीट होने से, दोनों से ही बहुत बीमारियाँ होती हैं, डिजीज होती हैं, इसे डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब आपका ये क्लास ट्वेल्थ में आप रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, इसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस जो हैं ये सब है, बाइनरी फ्यूजन, पोलिशन, बर्डिंग जेमूल्स, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, प्रोपोगेशन कैसे होता है प्लांट में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में देखिए यहाँ पर जानेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानेंगे कि सेक्सुअल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स कैसे एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, एंडोस्पर्म एंड एंडो एम्बियोस की फॉर्मेशंस को जानेंगे हम कैसे होता है, ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड कैसे डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, स्पीसीज मोड ऑफ अपोमिक्सिस वर्जन कॉपी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या क्या हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है उसके बारे में, बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है, और ये देखिए ये एमटीपी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, एमिनो सेंटेसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इनफर्टिलिटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, ओके, ये सब एलिमेंट्री आइडियाज और जनरल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे, कि और एक चीज़ और काउंसलिंग जानेंगे कि कैसे लोग काउंसलिंग करते हैं, ठीक
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस में हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशंस मेंडल्स के बारे में जानेंगे, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है, उनके बारे में, रहस्य के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन्स के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे आखिर जीन्स जो है वो डिटरमाइन सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसे मेल बनता है, ठीक है, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं जानेंगे, ठीक है, कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से मतलब विरासत में मिली हुई होती है, यानी हमारे हमारे परदादाओं से मिली होती है, हमारे पूर्वजों से मिली हुई होती है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन थैलेसीमिया, हेलो, तो थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में मतलब वही होता है कि फीमेल कैरेक्टर्स कुछ लोगों में आ जाता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम भी या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आपके डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कौन सा चार्ज होता है, किस डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लिक एसिड पे, प्रोटीन्स पे क्या चार्ज होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बने होते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, फिर ओपेरॉन के बारे में जानेंगे, कैसे कि हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, या फिर कैसे जो है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, अब एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे लाइफ का ऑरिजिन हुआ, ठीक है, एक सिस्टम के सिस्टमेटिक रूप से, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, पैलियोन्टोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जानेंगे, सब एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ठीक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी हो गया, ये सब जो है ये अलग अलग एक बुक इस पर लिखा गया है, ओके दोस्तों, तो ये शॉर्ट में दिया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ थोड़ा और ब्रॉड में मैं समझाऊंगा आपको, समझाने के लिए मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थियरी के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न्स के बारे में, मॉडर्न थियरी के बारे में, म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर नेचर जो है वो कैसे जीवों को सेलेक्ट करता है, जो लोग नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनका जो है वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और जीवाश्म मिलता है हमें, ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हेल्थ एंड कौन कौन सी डिजीजेज हैं, एचआईवी एड्स, ठीक है, ये सब मिलती, इम्प्रूवमेंट इन फूड्स प्रोडक्शन एंड प्लांट ब्रीडिंग्स, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल्स, ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में, एपिकल्चर के बारे में जानेंगे, ओके, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का फिगर, देखिए डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी का यूज करके आज अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, तो तरीके से धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अगर भगवान तो नहीं बन सकता है इंसान, लेकिन बहुत कुछ अच्छा कर रहा है अभी इस टाइम में, ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, बट ये है कि ह्यूमन में सॉरी इंडिया में अभी इसका उतना ब्रॉड रूप से यूज़ नहीं है, बट बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे इंडिया को अगर यहाँ पे फंडिंग अच्छी हो जाए, थोड़ा सा बस स्थिति अच्छी हो जाए अगर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स वालों की, ठीक है, तो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिल जाएंगे, वैसे अभी भी थोड़ा कम खराब स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में मिलेंगे आपको, ओके, अब देखिए उसमें ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन जानते हैं ना, इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज के रोगियों को लगाया जाता है, गोली दी जाती है, ठीक है, जीन थेरेपी देख रहे हैं ना आप लोग, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, देखो बीटी क्रॉप जो है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, और बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरे, ये देखो बायोपायरेसी के बारे में, ठीक है, पेटेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है, देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, ये देखिए हैबिट किसे कहते हैं, हैबिटेट किसे कहते हैं, निस किसे कहते हैं, निस में आपका दो टाइप्स का होता है, रियलाइज निस, फंडामेंटल निस होता है, पॉपुलेशंस के बारे में जानेंगे,
पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में जानेंगे। ये देखिए आपका ये एसोसिएशन है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं या फिर कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन, सॉरी, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। देखिए इसमें म्यूटलिज्म है, म्यूटलिज्म मतलब दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक बिहेव करते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन है, यानी दो बच्चों में जिस तरीके से कॉम्पिटिशन चलता है, ठीक उसी तरीके से दो स्पीसीज में भी कॉम्पिटिशन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। प्रिडेशन होता है, एक दूसरे का शिकार करता है, ठीक है। पैरासिटिज्म है कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो फूड के लिए सर्वाइव करता है, ठीक है, फूड लेता है और दूसरे को नुकसान होती है उससे, ठीक है। पॉपुलेशन आर्टिमेंट, ये देखो ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, बर्थ रेट के बारे में जानेंगे, बर्थ रेट या ग्रोथ रेट और ये डेथ रेट जो है वो इन दोनों का जो है वो फॉर्मूलाज है, ठीक है। इकोसिस्टम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, प्रोडक्टिविटी जानेंगे, ठीक है, डिकम्पोजिशन के बारे में, एनर्जी फ्लो में जानेंगे कि कैसे एक सन से एक प्लांट जो है वो सन से 10% लॉ के बारे में जानेंगे, वो 10% एनर्जी लेता है सन से, और प्लांट्स को कोई एनिमल खाता है तो उसके पास 10% जाता है उसका एनर्जी, 100% एनर्जी, ठीक है। फिर इसका जो 10% इसने जो प्लांट से लिया उसका जो है उसका 10% जो है इसके बाद वाला जो खाता है, इस तरीके से 10% ला और एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, मास में, ठीक है। पिरामिड्स के बारे में हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में, बायो मास के बारे में, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कोई पिरामिड उल्टी बनती है तो कोई सीधी बनती है, इन्वर्टेड पिरामिड, फिर ऐसे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जानेंगे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब साइकिल्स कैसे, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जानेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन आते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विस के बारे में जानते हैं कि कैसे जो है इकोलॉजिकल सर्विस में हम ये जानेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेसिव अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में हो गया उसको कैसे फिक्स करते हैं, धरती के अंदर कैसे हम लोग फिक्स कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और एक तरीके से ये राइजोबियम की बात कर रहे हैं, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो कैसे डेवलप करता है उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो कैसे जर्म ट्यूब जो है पॉलिन का जर्म ट्यूब वो स्टिग्मा के थ्रू पहुँचता है वो ओवरी तक, ओवरी के अंदर पहुँचता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये सारे के बारे में, और ऑक्सीजन रिलीज कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, उसका जो केमिकल फीचर्स भी होते हैं कि प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड जनरेट करते हैं, और फूड जनरेट करने के बाद क्या है वो O2 जो है वो रिलीज करते हैं। तो दो दो मैकेनिज्म हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए या फिर कार्निवोर्स हो गए उनको कैसे अलग अलग जगह पे कैसे उनको क्राइटेरिया बना के और रखा गया है, ठीक है, और उनको कंजर्व किया जा रहा है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। रेड डाटा बुक्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये देखिए एंडेंजर्ड, ये हॉटस्पॉट हो गया, एंडेंजर्ड रेड डाटा बुक्स है, एक्सटेंशन यानी विलुप्ति के कगार पे जो पहुँच उनके बारे में जानेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कैसे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे, कुछ जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे नेशनल पार्क बना रही है, सेंचुरी बना रही है ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इशू के बारे में हम लोग जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और उसको कंट्रोल कैसे किया, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, ठीक जाना चाहिए। एग्रोकेमिकल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के बारे में कैसे जानते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ओके दोस्तों, थैंक यू।